गलत लाइफस्टाइल के कारण आजकल 10 में से 7 महिलाएं किसी न किसी हेल्थ प्रॉब्लम की शिकार हैं। इन्हीं में से एक है बच्चेदानी की कमजोरी। बहुत सी महिलाएं तो इस समस्या से अनजान होने के कारण सही समय पर इलाज भी नहीं करवा पाती, जिसके कारण प्रेगनेंसी के दौरान मिसकैरेज का खतरा बढ़ जाता है। कभी कभी केसों में प्रेगनेंसी आती ही नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बताने वाली हूँ कि हमारी जो बच्चेदानी होती है उसकी कमजोरी के क्या कारण होते हैं और इसके इलाज क्या हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रितु और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। इसमें मैं पेरेंटिंग, प्रेगनेंसी, हेल्थ रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ लेके आती हूँ। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका और मेरा रिश्ता ऐसे ही बना रहे स्ट्रॉन्ग। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हर महिला को अपने शरीर के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए और खासकर अपने बच्चेदानी के बारे में पता होना चाहिए। अभी जो मैं आपको कारण बताने वाली हूँ, अगर वैसा कुछ भी आपको दिखे तो आपको इंस्टेंट डॉक्टर के पास जाना चाहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। महिला में अगर गर्भधारण से लेकर प्रसव तक गर्भ को सही रखने के लिए बच्चेदानी यानी गर्भाशय का स्वस्थ होना बहुत जरूरी होता है। यह महिला प्रजनन प्रणाली के आधार पर बनता है, लेकिन गलत खान पान व गलत लाइफस्टाइल के कारण यूट्रस कमजोर हो जाता है। इसके अलावा महिलाओं में शारीरिक कमजोरी के कारण भी बच्चेदानी में कमजोरी आ जाती है। प्रसव के बाद भी बच्चेदानी कमजोर हो जाती है, मानसिक कमजोरी, बाहरी या अंदरूनी चोट के कारण। ऐसा कभी भी कुछ भी हुआ तो एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। अगर आपको कमजोरी महसूस होती है तो ज़रूर चेकअप करवाएं। प्रसव के बाद भी बच्चेदानी कमजोर हो जाती है तो इस टाइम में भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अब जानते हैं कमजोर बच्चेदानी के कारण क्या क्या खतरा होता है। तो कमजोर बच्चेदानी के कारण सबसे बड़ा खतरा होता है मिसकैरेज का। कमजोरी के कारण यूट्रस अंडों को संभाल नहीं पाता है, जिसके कारण गर्भपात का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि इससे आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप सही डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल को अच्छे से समझोगे, अच्छे से अपनाओगे, तो आप अपने गर्भाशय को मजबूत बना सकती हैं। अब जानते हैं बच्चेदानी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें क्या क्या लेना चाहिए। तो सबसे पहले हमें लेना चाहिए फाइबर। अपनी डाइट में अधिक से अधिक फाइबर युक्त चीज़ें लें, जैसे कि ब्रोकोली, फल, ओट्स, नट्स, पालक, बीन्स, एवोकाडो आदि का सेवन करें। महिलाओं को रोजाना 25 ग्राम फाइबर लेना चाहिए। जब दूसरा चीज़ है सब्जियां खाएं। आप अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक हरी पत्तीदार सब्जियां शामिल करें। रोजाना इसका सेवन करने से बच्चेदानी में मजबूती आती है। नंबर 3, विटामिन सी युक्त फल खाएं। यूट्रस की अगर कोई भी समस्या होती है तो विटामिन सी युक्त फलों का ही सेवन करें। इससे आपके बच्चेदानी तो मजबूत होगी, साथ में कैंसर की समस्या भी दूर होती है। डेयरी प्रोडक्ट, अगर आप अपने खान पान की चीज़ों में लगातार दही, दूध, पनीर आदि का सेवन करेंगे तो गर्भाशय और ओवरी दोनों ही स्वस्थ रहते हैं। नंबर 5, ग्रीन टी। ग्रीन टी एक एंटीऑक्सीडेंट युक्त गुणों से भरा होता है, जिसमें ना सिर्फ यूट्रस मजबूत होता है बल्कि आप कई तरह की अन्य समस्याओं से भी बची रहती हैं। नंबर 6, मछली। अगर आप मछली खाते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। इससे महिलाओं में प्रोस्टालेंगिंग का निर्माण कम होता है, जो कि महिलाओं में गर्भाशय को संकुचन के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो मछली खाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। नंबर 7, कैस्टर ऑयल। इसमें मौजूद लिक्रोनिड एसिड ओवरी में बनने के वाले सिस्ट और गर्भाशय में जो फाइब्रॉइड्स की समस्या होती है उसको ठीक करता है और शरीर में इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। नंबर 8, बेरी। बेरी में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो ओवरी में फ्री रेडिकल्स को बचाने का काम करता है या ओवरी और गर्भाशय की कई दिक्कतों को बचाता है। इसे आप सलाद के रूप में डाइट में शामिल कर सकते हैं। आप जानते हैं कि गर्भाशय को मजबूत करने का इलाज क्या है। तो देखिए, वैसे तो गर्भाशय को मजबूत करने का इलाज आपका खुद का होना चाहिए कि आपको खान पान, अपनी लाइफस्टाइल को सही रखना है। इसके अलावा किसी तरह की अंदरूनी दिक्कतें हैं तो इसका इलाज आयुर्वेद में है। आयुर्वेद में पक्का इलाज होता है। अगर आपके वहाँ कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं तो उनसे जाके बात कीजिए, वो आपको सही इलाज करेंगे। इसके अलावा एलोपैथिक में भी इसका इलाज होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें डॉक्टरी प्रोसेस है। तो बेटर होगा कि अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने बताया कि कमज़ोर गर्भाशय
किस कारण से होता है और इसके इलाज क्या क्या हैं, आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपका गर्भाशय मजबूत हो जाए और उससे होने वाले खतरे आपके साथ ना हो। चीज़ बोलने वाली हूँ कि अगर आपको कोई भी दिक्कत समझ में आती है, किसी भी तरह की परेशानी समझ में आती है, तो किसी के भी कहे में आकर कोई भी मेडिसिन अपने से ना ले, आपको जाना चाहिए डॉक्टर के पास। डॉक्टर प्रोफेशनल होते हैं, वो आपको चेक करके आपको आपके जो प्रॉब्लम है उसका सही सोल्यूशन बताते हैं। तो कभी भी कोई DIY चीज़ें यूज़ ना करें, किसी के कहने में कोई मेडिसिन ना ले। तो उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो, और जल्दी से इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, और फिर मिलेंगे, और आपके ऐसे अच्छे अच्छे कमेंट का इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऐसे किसी अच्छे वीडियो में। टिल देन बाय बाय।